चाहे स्वतंत्रता वीर सावरकर हो या फिर मकदाऊ एक्सप्रेस हो, उनके लिए भाई बॉक्स ऑफिस में उतना कुछ खास काम हो नहीं पाया। कुछ लोगों को स्वतंत्रता वीर सावरकर पसंद आया, कुछ को नहीं आया। बिकॉज मुझसे फंबल हो रहा है तो मैं बार बार नहीं बोल पाऊंगा। और साथ ही साथ मकदाऊ एक्सप्रेस तो बहुत सारे लोगों को पसंद आया, पर भाई इन्होंने जितना पैसा लगाया था ये उसको वापस भी नहीं ले पाए। तो आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता वीर सावरकर, साथ में मकदाऊ एक्सप्रेस, मैदान, बड़े मियाँ छोटे मियाँ का थोड़ा डिटेल की बॉक्स ऑफिस में आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। देखो, स्वतंत्रता वीर सावरकर ने अप्रैल 19 तक, जबकि उसका 17 दिन कंप्लीट हुआ था, उसने कंप्लीट कर लिए थे अपने 20.6 करोड़। ठीक है, 20 करोड़ तक उसने पूरा कमाई किया था। और साथ ही साथ इसका जो पूरा का पूरा जो इसका बजट था वो भी 20 करोड़ का ही था। अब अगर आप ये जो 20.6 करोड़ आप सुन रहे हो कि इसने इतना कमाई किया है, तो उसमें बता दूं कि अब इसमें जो थिएटर का परसेंटेज होता है वो सब निकला नहीं होता। ठीक है, जितना पैसा इसने कमाया वो है 20.6%, इसमें से बाकी जो थिएटर का जितना भी भाई शेयर होता है वो भी निकलता है। तो भाई ये जो मूवी है वो फ्लॉप हो रहा है। और अभी जो आज का जो निकल के आ रहा है, मतलब 9th का, तो 9 तारीख को इसके जितने बुकिंग्स वगैरह हुए हैं उसके हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ 20 लाख कमा पाएगा, मतलब 20.8 लाख तक पहुंचेगा। और अभी इसको टक्कर मिलने वाला है बड़े मियाँ और छोटे मियाँ की तरफ से, और साथ ही साथ मैदान की तरफ से। तो अभी जो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है बहुत डाउन हो रहा है, तो ये भाई फ्लॉप हो रहा है। और उसी के साथ साथ मकदाऊ एक्सप्रेस जो बहुत ही खतरनाक निकल के आया था, उसका तो और भी खतरनाक हालत है। बिकॉज उसने सिर्फ और सिर्फ 17 दिन में कमाए हैं, सॉरी 18 दिन में उसने कमाया 22.4 करोड़, बस इतना ही। और साथ ही साथ इसका जो आज का कलेक्शन है, मतलब लगभग 15 लाख का आ रहा है, तो इसका जो टोटल कलेक्शन हो रहा है वो 22.55 लाख रुपीज़ हो रहा है। और इसका जो टोटल ग्रॉसिंग है ओवरसीज का ग्रॉसिंग मिला के वो है 27.8 करोड़। तो मतलब 27.8 करोड़ तक गया, और आज का जो इसका कमाई था वो लगभग 15 लाख रुपये था। और साथ ही साथ इसको जो टक्कर मिल रहा है, और टक्कर मिलने के बाद अब ये भी भाई बाहर निकलने वाला है, इसका भी कोई स्कोप नहीं है, कोई होप नहीं है। और इसका बजट था 50 करोड़ रुपये, 50 करोड़ लगा के इन्होंने मूवी बनाया था, और वो सिर्फ कमाता है 28 लाख रुपीज़। तो भाई मेरे को नहीं समझ में यह आ रहा कि भाई अभी कॉमेडी मूवीज़ जो हैं वो इतना नहीं चल पा रहे। अब देखना पड़ेगा फिर हेरा फेरी को देखने के लिए, बिकॉज बड़े बड़े जो यूट्यूबर थे ना, जैसे मकदाऊ एक्सप्रेस आया उन्होंने तो भाई सीधा सीधा स्टेटस डाल दिया, भाड़ में गया फिर हेरा फेरी, ये भाड़ में गया वो भाड़ में गया, अरे भाई इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पर भाई मेन होता है बॉक्स ऑफिस में चलना, लोग पसंद करते हैं नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे मूवीज़ आए थे, बहुत ही खतरनाक मूवीज़ आके जा चुके, पर उसमें बॉक्स ऑफिस में भाई कलेक्शन नहीं किया। अब देखो सिंपल सी बात यह कि अच्छा स्टोरी बना रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं आपको ऑडियंस को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो आप एक स्टार फेस से करो, जिससे करो भाई। लास्ट में तो वही आदमी आगे जाता है जो पैसा कमाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई 50 करोड़ लगा के 100 करोड़ कमा लो, 200 करोड़ कमा लो, ये नहीं बोल रहा हूँ। 50 करोड़ लगा के कम से कम 60 से 65 करोड़ तो कमाओ, तभी तो जाके भाई लोग बोलेंगे कि नहीं अच्छा मूवी था। अगर आप सिर्फ 28 करोड़ में अगर आप सिमट रहे हो तो भाई मेरे को नहीं पता ये कहाँ से अच्छा हो रहा है, कहाँ से बहुत ही एक अलवे से निकल कर रहा है। हालांकि स्टोरी अच्छा था, मैं भी बोल रहा हूँ स्टोरी उस टाइम सबसे ज़्यादा बेस्ट और सबसे ज़्यादा अच्छा स्टोरी निकल के आ रहा था, बहुत ही अच्छा था मेरे हिसाब से। पर लोगों के हिसाब से पता नहीं, लोगों ने इसको इतना देखा नहीं, और मेरे ख्याल से इसका उतना ज़्यादा प्रमोशन हुआ नहीं। और साथ ही साथ मैदान का बात करते हैं, तो मैदान ने भाई पूरे किए हैं अपने 48,000 टिकट्स, जो कि दोपहर के 4 बजे तक का ये पूरा है। 48,000 टिकट्स मैदान ने सोल्ड किए हैं, जो कि कोई बड़ा मार्क नहीं है, बहुत ही छोटा मार्क होता है ये। ठीक है, उस टाइम में अगर आपको याद होगा भाई पठान वठान आ रहे थे वो 3-3 लाख टिकट्स बेच रहे थे, तो ये भी 40-45 लाख तक पहुंचा है इसलिए। और साथ ही साथ इसके साथ आ रहा है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उसने भाई सोल्ड किए हैं दोपहर के 4 बजे तक, इसने भाई पूरे के पूरे 55,000 टिकट्स ही सोल्ड किए हैं, 55-56,000 निकल के आ रहा है, और ये भी कोई बड़ा मार्क नहीं है। मतलब अगर आप देखो ईद के टाइम का इतना बड़ा फेस्टिवल था, उसमें छुट्टी था, और छुट्टी के टाइम में कितना आ रहा है, लगभग 1-1.5 लाख रुपये ही, 1-1.5 लाख टिकट ही बिक रहे हैं। 1-1.5 लाख टिकट भाई कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, मतलब थिएटर्स होता है ज़्यादा भरे नहीं होने वाले, खाली जाने वाला थिएटर, ऐसा भाई सुन के सामने लग रहा है। और कोई इतना ज़्यादा बड़ा, कोई इतना अच्छा मूवी निकल के नहीं आ रहा। हालांकि मैदान का स्टोरी सुनने में आ रहा है कि अच्छा हो सकता है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ का भी जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छा हो सकता है, पर बॉक्स ऑफिस में कोई भी ऐसा कोई कमाल करते हुए नहीं दिख रहा। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपके थोड़े से कोई डाउट हो या थोड़ा सा कोई शिकायत हो तो कमेंट में जरूर बताना। मिलता है वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।